बहुत शौक से खाते हैं, स्पेशली सर्दियों में ये बहुत ही पसंद की जाती है। ये देखिए बहुत ही क्रंची बनी है ये, और मार्केट जैसे लुक आ रही है इसकी। बहुत ही आसान है, सिर्फ दो चीजों से ये बनकर रेडी हो जाती है। इसके मैंने इतनी स्केल शेप में इसको मैंने कट किया, ज्यादा मैंने बड़े स्लाइस नहीं किए। आप अपनी मर्जी से इसके पीसेस कर सकते हैं, लंबे लंबे बार्स भी बना सकते हैं। एक पैन लिया है और उसमें मैंने 1 कप चीनी ऐड की है, नॉर्मल रेगुलर शुगर है ये। 1 कप इसको आपने एक पैन में डाल देना है, मैंने फ्राई पैन में डाला है, और मीडियम फ्लेम में। शुरू में आपने जो आग है वो मीडियम से लो रखनी है, ना बहुत ज़्यादा तेज हो और ना ही ज़्यादा हल्की, और बिल्कुल भी स्लो नहीं होनी चाहिए, वरना ये ना इकट्ठे से हो जाएगी। आपने शुरू में थोड़ी सी जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है, और इसको मुसलसल हिलाते जाना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, वरना ये एक जगह से स्टिक हो जाती है। आप इसको मुसलसल हिलाते जाएँ हिलाते जाएँ। यहाँ पे अभी मैंने और कुछ भी शामिल नहीं किया, सिर्फ अभी मैंने चीनी को गर्म करी, इसको क्रेमलाइज्ड करना है, और यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड तेज कर दिया है, क्योंकि ये 5 से 10 मिनट के अंदर ये क्रेमलाइज्ड होती है, क्योंकि आग हल्की होती है, तो काफ़ी टाइम लगा था। इतना टाइम तो यहाँ पे मैं वीडियो में नहीं दे सकती, ये सब बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं इसकी जो स्पीड है वो तेज कर दिया है। और तेजी में आप देखिए, सारा मैंने शूट किया था कि चीनी किस किस स्टेप से क्रिमलाइज होती है। आपने घबराना नहीं, क्योंकि एकदम से चीनी है इस तरह से शेप में आ जाती है, और लगता है कि चीनी खराब हो गई है, लेकिन नहीं, इस स्टेज से वो एकदम मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, बस आपने कंटिन्यूसली इसको हिलाते जाना है, और बस ये ध्यान रखना है कि ये आग जो है वो ज़्यादा तेज ना हो। ये देखिए, ये आस्ता आस्ता से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। स्लो कर देनी है, इस चीज पे आपने जो आगे वो लो कर देनी है, ठीक है। ये जब इस चीज पे चीनी मेल्ट होगी, इसमें कोई भी क्रिस्टल नहीं है, तो इसमें हम 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल या घी आप इसमें डाल दें और इसको मिक्स करते जाएं। देखिए, इधर मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला, घी इसको डाल के इसको मिक्स करना है। शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप पीनट। इसके छिलके उतार लिए, उसका जो रेड कलर छिलका होता है बारीक सा, वो भी उतार लिया है, और इसको सेंटर से क्रश करके थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाल के अच्छे से आपने फोड़न फोड़न मिक्स कर देना है। और एक प्लेट मैंने ग्रीस कर लिया, प्लेट को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था, इसको इसके ऊपर डाल देंगे प्लेट में, और स्पैचुला से इसको खिला देंगे। बहुत ही स्टिकी स्टिकी सा काम है, वो जल्दी से ना ये हार्ड होना शुरू हो जाती है, तो आपने फौरन से स्पीड के साथ इसको यूँ खिला देना है, और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है इसकी, और आप ये ध्यान रखना है जो चीनी है वो जलना चाहिए, आपने ज़्यादा कोल्ड नहीं करना, वरना उसमें से कड़वा टेस्ट अपना फील हो जाता है। अब इसको जब 5 मिनट के बाद जब थोड़ी सी ये जम जाए, तो आपने ये कट के निशान लगा देने हैं, अभी टच नहीं करना, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इस स्टेज पर हम इस पर कट लगा देंगे, और बाद में इसको आपने छुरी से खींच खींच के इसको निकाल लेना है आराम से। ये देखिए बहुत क्रंची सी ये बन गई है, पीनट चिक्की बिल्कुल रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसको बनाकर आप सर्दी में इंजॉय करें बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।